अपना दिन भर भंगार बेचने का, अपना बेच के खाने का, बाल बच्चे को खिलाने का। अब ये बच्चे लोग को कौन खिलाएगा ये हमको बताओ, ये बच्चे लोग को कौन इन लोग को राशन ला के देगा, इन लोग को वड़ा पाव ला के कौन देगा। उनका पिताजी कुछ भी करके लोग को खिलाता था, अभी कौन ये लोग को खिलाएगा। दादर में नंदीग्राम एक्सप्रेस की शौचालय में सुसाइड करने वाले घाट के ऊपर के निवासी बाबा साहेब साबले के मामले पर दादर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। वहीं बाबा साहेब साबले की पत्नी ने पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे पर भी लगाया आरोप कि उनके द्वारा दी गई थी हरेसमेंट और धमकी, जिसके बाद शायद मेरे पति ने उठाया ये कदम। किरण भाव लांडगे के दबाव में अभी पुलिस है उनकी है, सब सरकार है उनका है, ये भंगार बेच के खाने वाला इंसान वो क्या कर सकता है, उसके पास कुछ सहारा ही नहीं है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हमने आपको इससे पहले बताया था कि दादर में स्थित जो नंदीग्राम एक्सप्रेस है वहाँ के शौचालय में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए दादर पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या में उकसाने का मामला दर्ज किया है। अब बता दें इस पूरे मामलात में जो मृतक है, जिसने फांसी लगाकर जान दे दी है, वो घाट के ऊपर के निवासी है और उनकी पत्नी सुनीता के अनुसार जो इसमें उनके पति बाबा साहेब ने आत्महत्या किया है, उन्होंने इस वजह से आत्महत्या किया है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। एक मामला घाट के ऊपर में दर्ज हुआ था सुनीता के पति बाबा साहेब के खिलाफ, जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे और आखिरकार उन्होंने ये कदम उठाया है। बता दें पूरा मामला इस प्रकार से, दादर पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई के दिन बाबा साहेब साबले ये घाट के ऊपर के असलफा गाँव में नाली साफ करने का काम कर रहे थे और ये जो टावल लपेटे हुए थे बाबा साहेब साबले, इनका टावल फिसल गया और इसी के कारण उनका गुप्तांग जो है, पास ही में एक जो शिकायतकर्ता महिला है जिन्होंने मामला दर्ज कराया घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन में, 34 वर्षीय रसीला महेंद्र चौहान, ये वहाँ से गुजर रही होती है और कथित तौर पर स्थिति को गलत समझकर जो साबले, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसे फ्लैश कर रहे हैं और उसी के बाद वो घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन जा करके भारतीय न्याय संहिता की 79 के तहत मामला दर्ज करवाती है। और मामला दर्ज करवाने के बाद जब साबले को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं या काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं, तो वो बचने के लिए हिंगोली परभनी में अपने गृहनगर भाग गए थे। और उसके बाद उनकी पत्नी सुनीता ने बताया कि जो पुलिस है उनको काफ़ी बार जो है उनके ठिकाने पर आ कर के बार बार पूछते थे। और उसके बाद शिकायतकर्ता जो रसीला है, उनके पति, उनके रिश्तेदार अक्सर उनके घर पर आकर के पूछते रहते थे और ये कहते थे कि कहाँ है तुम्हारे पति को हाजिर करो। और यहीं तक मामला रुका नहीं था, इस मामले पर एक नया खुलासा तब सामने आया जब सुनीता ने ये भी कहा, जो बाबा साहेब कामले की पत्नी है, कि पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे ये भी काफ़ी बार उनको धमकाते थे और काफ़ी जो है दबाव बनाते थे उनके पति को हाजिर करने के लिए, इसी से तंग आकर के मेरे पति ने जो है ये कदम उठाया है। बहरहाल क्या प्राथमिकता है ये आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि दादर पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा है और इस मामले में अब आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है ये बहरहाल देखने वाला विषय होगा। लेकिन बता दें नंदीग्राम एक्सप्रेस के इस शौचालय में शव मिलने के बाद अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। अब ये देखना है कि पत्नी के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद क्या इस मामले पर पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे पर गाज गिर सकती है, क्योंकि किरण लांडगे एकनाथ शिंदे के गुट से है और एकनाथ शिंदे के गुट में हो करके शायद जो है वो पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना होगा कि कार्रवाई एकनाथ शिंदे पर ना करे। लेकिन अब ये देखना है कि इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि इस मामले पर दादर पुलिस लगातार जो है वो कार्रवाई बढ़ाते जा रही है। हम आपको सुनाते हैं इस मामले पर परिवार ने क्या जानकारी दी है और किस तरीके से पूर्व नगर सेवक किरण लांडगे पर आरोप लगाया। बाबा साहेब साबले, आपके पति का क्या नाम था जो आत्महत्या, जिनकी आत्महत्या की? बाबा साहेब साबले। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का ये पूरा मामला था, क्यों आत्महत्या किया उन्होंने? वो लोग के डर के मारे उसने आत्महत्या किया सर, मजबूर हो गया वो आत्महत्या करने। उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या था, क्या मामला था पूरा? दबाव था, पुलिस लोग आ रहे थे सर, बार बार आ रहे थे, दूसरे दिन तीसरे दिन घर पे आ रहे थे, अभी तक आया क्यों नहीं, वो बाहर क्यों है, आप लोग को पता है सर? मेरे को कुछ पता नहीं था वो किधर है। ये केस क्या था उनके? वो टावेल निकालने के वजह से उसको केस, एक महिला ने किया था, टावेल नीचे गिरा था।
तो ये केस किसके दबाव में किया गया था? वो किरण लांगे के दबाव में किया था, नगर सेवक। वो नगर सेवक ने हम लोग को सामने बुलाना मांगता था। हम लोग है ना, दोनों पार्टी को बुलाने से तेरे ऑफिस में नहीं होता था, तो हम लोग को पुलिस चौकी में बुला था। पुलिस चौकी में जाके हम लोग को दोनों को बैठ के उसने सवाल नहीं किया सर। लक्ष्मी बाड़ू सात समुद्र जिन्होंने आत्महत्या की, उनके आप क्या लगते हो? मैं चचेरी बहन लगती हूँ। क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला था, किस तरीके क्यों आत्महत्या उन्होंने किया? उन्होंने ऐसा किया कि उनको बहुत डर लग रहा था। हम लोग ने उसको बुला के लिया कि बाबा तू आ जा इधर, पुलिस लोग हम लोग को तंग कर रही है, तू इधर आ जा, कैसा भी करके आ जा, हम लोग इधर आने के बाद में सॉल्व करेंगे मैटर। तो वो बोला कि नहीं, बिना मतलब का औरत ने मेरे ऊपर ऐसा यही लिया। मैं इतने सालों से इधर एरिया में रहता हूँ, लेकिन मेरे को आज तक कोई मेरे को ऐसा कुछ बोला नहीं। तो मेरे को पुलिस आएगी, मेरे को मारेगी, मेरे को ऐसा करेगी वैसा करेगी, इसके लिए मैं उधर आएगा नहीं। तो हम बोला तुम पुलिस स्टेशन में आ जाओ, हम सब लोग आते तुमको लेके उनके पास, पुलिस के पास जाते। वो बोला नहीं, वो लोग बहुत मारते हैं, और वो कभी ऐसा मतलब पुलिस को देखा नहीं, और पुलिस के मैटर में वो गया नहीं, ना पुलिस चौकी में वो गया नहीं। तो उसको बहुत डर लग रहा था कि वो बोला कि पुलिस मेरे को मारेगी। किसके दबाव में पूरा होता था? यही किरण भाव लांडगे के किरण में, इसमें किरण भाव लांडगे के दबाव में। अभी पुलिस है उनकी है, सब सरकार है उनका है। ये भंगार बेच के खाने वाला इंसान वो क्या कर सकता है? उसके पास कुछ सहारा ही नहीं है, वो क्या कर सकता है? नहीं वो ये पार्टी का था, ना वो पार्टी का था। वो अपना दिन भर भंगार बेचने का, अपना बेच के खाने का, बाल बच्चे को खिलाने का। अब ये बच्चे लोग को कौन खिलाएगा ये हमको बताओ? ये बच्चे लोग को कौन, इन लोग को राशन ला के देगा, इन लोग को वड़ा पाव ला के कौन देगा? उनका पिताजी कुछ भी करके ये लोग को खिलाता था, अभी कौन ये लोग को खिलाएगा? क्यों वो गांव क्यों गए थे, ये जब घटना हुई थी उसके कितने दिन? वो केस डाला ये लोग ने, इसके लिए भाग गया वो डर गया। वो बोला बिना मतलब का ये लोग ने केस डाला है, मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं। वो हमको बिना पूछते वो भाग गया। इसके लिए हम लोग इधर ढूंढ रहे थे, उधर ढूंढ रहे थे, 15 दिन मिला नहीं। अभी 4 दिन पहले हमको मिला, तो वो हम लोग बगा वाले को बोला कि बिठा दो गाड़ी में उसको, उसके बच्चे लोग तंग कर रहे, पुलिस लोग इसको लेके जा रहे, कभी इसको लेके जा रहे, ऐसा लेके जा रहे, मेरे भाभी को 1:30 बजे लेके जा रहे। तो मैं बोली एक ही बार कुछ भी हो जाएगा तो तुम इसके लिए आ जाओ इधर, ऐसा हम लोग ने बोल के बुला के लिया। वो इधर तक आया और इधर आके उसने कैसा गाड़ी में, ऐसा ट्रेन के डब्बे में फांसी लगा के लिया, पता नहीं। डायरेक्ट रात को 1:30 बजे 2 बजे इसके आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? न्याय मिलना मांगता है ये लोग को, ये लोग की जिंदगी सुधरने के लिए, ये लोग के लिए पैसा कुछ जो कुछ उनसे होता है वो देना मांगता है, यही हमारा कहना है। अभी बच्चे लोग उनके बच्चे लोग का कुछ भी, इनके नाम पे कुछ पैसा डालो, कुछ करो, यही हमारा कहना है। अभी क्या है, पेट पानी को ये लोग के मिलेगा तो बस हो गया। अच्छा वो हॉस्टल में डाल दो। हाँ, उनके बच्चे लोग पढ़ना लिखना मांगता है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।